कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, लेकिन अभी कई तरह की चुनौतियां हैं और नए मामलों का आना भी इस बीच जारी है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं। आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि अब तक 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन देश भर में 5,000 के पार जा चुका है पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। लोग संक्रमित हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से जिंदगी की जंग जीतने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 402 लोग कोरोना मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। देश भर में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना का यह संक्रमण तेजी से फैला है और यहां पर 1,164 लोग कोरोना की चपेट में है। दिल्ली में 606 लोग कोरोना की वजह से अब तक संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इस बीच लॉकडाउन के 6 दिन बाकी, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से भी ये सिफारिश की गई है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच लगातार हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े हर दिन बदल रहे हैं और संक्रमण यहां पर लोगों में बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपको हम देश के बाकी हिस्सों से भी दिखाएंगे कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की श्रेणी में। और ये देखिए, आपके सामने आंकड़े भी आ गए हैं। 5,194 इस वक्त संक्रमण के केसेस हैं, जिनमें से एक्टिव केसेस 4,643 हैं। 402 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं, लेकिन 149 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के लोग भी शामिल हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से ये आंकड़े बदल रहे हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। आपको राज्यवार परिस्थिति भी हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की जो है सूरत देश भर में दिखाई दे रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, संक्रमण के केसेस वहां पर किस तेजी से बढ़े हैं। और कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नंबर उन्होंने दिया कि अगर 30,000 लोग भी संक्रमित होते हैं तो उसके लिए क्या इंतजाम आगे किए जाएंगे। चिराग इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चिराग, दिल्ली के जिस तरह के केसेस सामने आए हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो संकेत मिले हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि लड़ाई अभी आगे लंबी है। 6 दिन बेशक हो लॉकडाउन में, लेकिन ये भी आगे बढ़ने की संभावना है। देखिए बिल्कुल, और खासकर अगर बात की जाए हॉटस्पॉट्स की, तो जहां मैं खड़ा हूँ निजामुद्दीन हॉटस्पॉट है, साथ साथ दूसरा जो हॉटस्पॉट है वो दिलशाद गार्डन है। और ऐसे में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार डेली जो फिगर है वो बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले 500 के आसपास थी, आप 600 क्रॉस कर गए, और ऐसे में 300 से ज्यादा केसेस जो है जमात से जुड़े हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ही संकट की बात है। और एक और खबर दिल्ली से भी आ रही है कि दिल्ली में एक ट्रैफिक पुलिस के कर्मी को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया। तो ऐसे में अब जो है संकट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि लॉकडाउन को लेकर भी अब तमाम सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई इसको एक्सटेंड किया जाएगा नहीं, क्योंकि अभी ये 6-7 दिनों में और स्थिति साफ हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर दिल्ली में भी जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन जो केसेस हैं वो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आना भी बाकी हैं, कई जो टेस्ट हुए हैं, तो देखना ये होगा कि उनकी रिपोर्ट्स किस तरह से आती है और क्या वाकई जो लॉकडाउन है, क्योंकि काफी केसेस भी दिल्ली में रजिस्टर्ड हो रहे हैं जो लॉकडाउन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर दिल्ली की, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वो कुछ और टेस्टिंग जो है किट्स ला रही है, ताकि जो टेस्ट हो वो लोगों के हो सके। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के टेस्ट कैसे करेगी, क्या वाकई घर घर जाके दिल्ली सरकार करेगी या लोगों को बुलाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आने वाले दिनों में ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े हैं जिसका जिक्र चिराग कर रहे हैं। और देखिए, चिराग अभी निजामुद्दीन में मौजूद हैं और ये जगह दिल्ली के हॉटस्पॉट में से एक है, निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन। लेकिन हम आपको देश भर की परिस्थिति दिखाते हैं कि पूरे देश में हॉटस्पॉट कौन सी जगह है। हॉटस्पॉट यानी जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, तो ये आपको हम पूरे देश भर में स्थिति दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर परिस्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। दिल्ली में केसेस 576 तक जा पहुंचे हैं देश की राजधानी में। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 1,000 के पार ही आंकड़ा जा चुका है, और अकेले मुंबई में 40 लोगों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में परिस्थिति बेहद खराब यहां पर दिखाई देती है। तमिलनाडु की स्थिति देखिए, 690 वहां पर संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो पूरे देश में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों ने भी ये कहा है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात को कंट्रोल में करने के लिए फिलहाल यही एक ऐसा कदम दिखाई देता है जो सबसे कारगर साबित होगा। जितेंद्र बहादुर भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, और जितेंद्र इस वक्त आरकेपुरम में मौजूद है जहां पर सीआरपीएफ का कैंप भी है।
जिन्हें देखिए अलग अलग तरह के प्रयास भी हो रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि वहां एक टनल है जहां पर सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। ये जो इंतजाम बीते दिनों में आपने भी देखे हैं, किस हद तक ये कारगर साबित हो रहे हैं और इस लड़ाई में कितनी इनकी अहमियत मानी जाए? देखिए मीनाक्षी, पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग जगहों पर जो देश भर में मौजूद हैं उनकी तरफ से इस तरीके के खास कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें जो टनल जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसमें पूरी तरीके से फुल बॉडी सैनिटाइज किया जाता है, यानी कि जो भी जवान यहाँ से गुजरता है उसको इस सैनिटाइजर टनल से गुजरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की व्यवस्था सीआरपीएफ की तरफ से जो भी उसके कैंप हैं दिल्ली में या फिर दूसरी जगहों में, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान हैं वो जब इस टनल से गुजरते हैं, जो अपने कैंप के अंदर जाते हैं ड्यूटी के लिए, उनको पूरी तरीके से फुल बॉडी सैनिटाइज इस वक्त किया जा रहा है। तो एक ये प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जो भी जवान अंदर जाता है या फिर कोई भी कर्मचारी जो सीआरपीएफ में इस वक्त काम करता है, उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना की तरफ से सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसका छिड़काव बॉडी पर किया जा रहा है, शरीर पर किया जा रहा है। देखिए इसमें खास तरीके का जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, लेकिन जो शरीर के ऊपर जो भी मटेरियल यानी कि वायरस मौजूद होता है उसको वहीं पर वो सैनिटाइज कर देता है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो भी जवान अंदर जाता है कैंप के अंदर, उससे कोई ग्रसित ना हो, उसको किसी तरीके की समस्या ना हो, तो इस तरीके के टनल से उसको गुजारा जा रहा है। ऐसे ही डीआरडीओ की तरफ से कई जगहों पर बनाया गया, जिसमें एम्स में भी कुछ इसी तरीके का टनल लगाया गया। तो कुल मिला करके ये व्यवस्था सीआरपीएफ अलग अलग जगहों पर जो उसके देश भर में कैंप हैं वहाँ पर कर रही है। इसका सबसे खास बात यह है कि सीआरपीएफ ने कुछ ऐसे ही जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर कहीं भी अपने हाथ का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं, पैर से ही ये लोग यहाँ पर जो नल का टैब है वो चलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर भी यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल सीआरपीएफ जवानों की तरफ से नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के कदम सीआरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर उठाए हैं, जिसमें टनल और इसके अलावा सीआरपीएफ जो कदम उठा रही है वो ये है कि देश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, सेना में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसे संक्रमण न फैले, तो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। और सीआरपीएफ में जो भी, चाहे क्लर्क ग्रेड का अधिकारी हो या फिर किसी तरीके के जो जवान हैं, वो जब कैंप के अंदर जाते हैं तो उनको इसी तरीके से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ आपको इंतजाम यहाँ पर अलग अलग संस्थानों की तरफ से किए जा रहे हैं, जिस बात की जानकारी इस पर जितेंद्र भी दे रहे थे, लेकिन चुनौती बड़ी है और यही वजह है कि भारत में जो अलग अलग राज्य हैं, ये अग्नि परीक्षा का समय उनके लिए भी है और हर राज्य एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन कोरोना की मार तैयारियों पर भी भारी पड़ने की आशंका है। ऐसे में मौजूदा दौर में राज्य कैसे चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इस पर राज्यों की राय आपको सुनवाते हैं। जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी। आज भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर 10 टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है। ये बीमारी ऐसी है कि इसका कुछ नहीं मालूम कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे आपको लगती है। सो बी सेफ टुडे, द ओनली थिंग दैट इज, जो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने बचाव करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो ये रखो, अपने घरों में रहो और अपने बच्चों और फैमिलीज को बचाओ। उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा, जयपुर का विशेष ख्याल हम लोग रख रहे हैं। जिला वाइज जो मैंने कहा आपको, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो टोंक हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, जहां अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, हमें व्यूहरचना बनानी पड़ेगी। कहां पर किस प्रकार से हम लोग लॉकडाउन खोले नहीं खोले वो हमें सोचना पड़ेगा। एकमात्र सुझाव सलाह जो चारों तरफ से आ रही है वो यही है कि लोग घरों में रहें
और लोग इसको लोग अपने आप को रोके तो कोरोना रुकेगा, लोग अपने आप को नहीं रोक पाएंगे तो कोरोना का रुकना मुश्किल होगा और फिर कोई भी मेडिकल सिस्टम फेल होगा ही होगा। और जिस तरीके से इस वायरस का ग्रोथ आया है, अगला एक सप्ताह बताएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, या हम इसको कंटेन कर पाएंगे या ये हमारी कम्युनिटी की स्प्रेडिंग की ओर जाएगा। और अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर जाएगा तो मुझे लगता है कि देश का हर सिटीजन भी चाहेगा कि हम इसको एक्सटेंड करें। पूरा लॉकडाउन खोलना आज के स्थिति में वो बहुत वाइबल नहीं लगता है। पार्सल लॉकडाउन खोल सकते हैं, कोई और तरीका हो सकता है कि एक ही साथ अगर 14 तारीख के बाद लोग उतर जाएंगे सड़क पर या बाहर निकल जाएंगे, इतने दिन से घर के अंदर हैं, शायद परिस्थिति अच्छी नहीं रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए, इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख तक का ये लॉकडाउन है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पेशेंट्स बढ़ते नहीं है, सारी स्थिति कंट्रोल में आती है तो लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल के अंदर है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाएंगे, ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाएगा तो और इस जो कोरोना को है कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात से जुड़े मरीजों की संख्या भी अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं और ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जमातियों के साथ ही कोरोना जैसलमेर में भी दस्तक दे चुका है, जहां पर कोरोना के 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी आपको बताते हैं, जहां पर मंगलवार को 9 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लोग एक मस्जिद में ठहरे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में 27 कोरोना के मरीजों में 20 जमाती शामिल हैं। दिल्ली के द्वारका में आइसोलेशन कैंप में कई जमातियों को रखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खाने के साथ जो पानी की बोतल दी जा रही है, जमाती उसी में गंदगी भरकर फेंक रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। और इसी बर्ताव पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के साथ, सफाई कर्मियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की दवा मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। खबर आ रही है कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी मोदी की जमकर तारीफ की है। बोल्सोनारो ने मोदी के प्रयासों की तुलना भगवान हनुमान से की। बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी में कहा कि जिस तरह हनुमान ने राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय से पवित्र दवा लाई थी कोरोना को लेकर, वैसा ही प्रयास पीएम मोदी का है। भारत और ब्राजील एक साथ मिलकर इस वैश्विक संकट से उबर जाएंगे। दरअसल एचसीयू की दवा को बनाने के लिए जिस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, वो सबसे बड़ी तादाद में भारत में ब्राजील और चीन से आयात किया जाता है। और ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, मैंने लाखों खुराक एचसीयू की खरीदी है, 29 मिलियन से भी ज्यादा, और प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उनसे पूछा कि क्या वो इसे जारी रखेंगे। वो महान हैं, वास्तव में अच्छे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।